हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शैलेंद्र राणा एंड यू आर वॉचिंग लोपुदना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हार्बर, लाइक व्हाट इज हार्बर एंड व्हेन इट बिकम्स एन ऑफेंस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बेसिकली द मीनिंग ऑफ हार्बर इज टू हाइड और प्रोटेक्ट समथिंग और समबडी दैट इज बैड, और यू कैन से द हार्बर इज कैन बी डन इन टू वेज, लाइक इन गुड फेथ और इन बैड फेथ ऑल्सो। Whenever you do harbor in bad faith, then it will be punishable under various sections of Indian Penal Code. Various sections of Indian Penal Codes deals with harbor, like Section 51A, Section 212, Section 216, and Section 216A of Indian Penal Code. Like Section 51A tells us about what is harbor. Section 212 defines about harboring offender its punishment. Section 216 defines another kind of harboring, and Section 216A also defines another kind of harboring. Let's read them one by one. So basically, Section 51A of Indian Penal Code defines harbor as: harbor includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, or means of conveyance, or assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to avoid apprehension. Basically, Section 51 ये कहता है, जब कभी आप किसी अपराधी को कोई छिपने के लिए शेल्टर या कोई जगह या कोई खाना पीना, कपड़े या पैसे या कोई हथियार या बारूद प्रोवाइड कराते हैं जिसकी वजह से वह अरेस्ट होने से बच सके, देन you committed the offense of harbor and you harbored that person. Basically, harbor is a cognizable offense, but it is a bailable offense as well. It is tried by the first class of judicial magistrate. So guys, I hope you understand the meaning of harbor. Let's move on to the Section 212 of Indian Penal Code, which defines harboring offender. Whenever an offense has been committed, whoever harbors or conceals a person whom he knows or has reason to believe to be the offender with the intention of screening him from legal punishment. Basically, Section 212 ये कहता है, जब कभी आप को ये लगता है या आपको पता है या आपके पास पर्याप्त कारण है ये जानने के लिए कि जो जिस बंदे को आप शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक ऑफेंडर है किसी ऑफेंस का, बट स्टिल यू प्रोवाइड शेल्टर टू हिम, देन यू कमिटेड द ऑफेंस ऑफ हार्बरिंग। सो बेसिकली देर आर सम कंडीशन फॉर द पनिशमेंट ऑफ हार्बर। द फर्स्ट कंडीशन फॉर द पनिशमेंट ऑफ हार्बर इज इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन और बोथ। फर्स्ट कंडीशन ये कहती है, जब कभी आप किसी ऐसे पर्सन को हार्बर करते हो जिसको डेथ पेनल्टी मिली हुई है या उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है, बट यू स्टिल प्रोवाइड हिम अ शेल्टर, देन यू विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट ऑफ 5 years, आपको 5 साल तक की सजा और फाइन या दोनों हो सकते हैं। सेकेंड कंडीशन ऑफ सेक्शन 212 इज इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ or with imprisonment of 10 years shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 3 years or with fine or with both. Second condition ये कहती है, जब कभी आप किसी ऐसे person को shelter provide करते हैं जिसने कोई ऐसा offence कर रखा है जिसके लिए उसको life imprisonment या 10 साल से ज़्यादा की जेल हो सकती है, then आपको 3 साल तक की सजा या fine हो सकता है। थर्ड कंडीशन फॉर द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ हार्बर इज इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रोवाइडेड फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड फॉर द ऑफेंस और विद फाइन और विद बोथ। थर्ड कंडीशन ये कहती है, जब कभी आप किसी ऐसे ऑफेंडर को शेल्टर प्रोवाइड करते हो जिसने कोई ऐसा ऑफेंस कर रखा है जिसके लिए उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है, तो उस ऑफेंडर को हार्बर करने के अपराध में आपको 1 साल का 1/4 पार्ट इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं।
सो गाइस, अब तक हमने पढ़ा कि हार्बर क्या होता है, इसके लिए कब ये एक ऑफेंस बन जाता है, कब या कितनी इसके लिए पनिशमेंट हो सकती है. क्या हार्बर के लिए कोई एक्सेप्शन भी है? लेट्स टॉक अबाउट दिस. देर इज ओनली वन एक्सेप्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ हार्बर एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. This provision shall not extend to any case in which the harbor is by the husband or of wife of offender. जब कभी harbor किसी husband द्वारा किया जाता है जबकि offender उसकी wife हो तो ये harbor नहीं माना जाएगा. या जब कभी किसी husband द्वारा कोई offense किया गया हो और उसको harbor उसकी wife द्वारा किया गया हो तो भी ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा. ये सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है हार्बर की, वो है सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ. इफ़ हस्बैंड किसी के उसका किसी अपराध का ऑफेंडर है और वाइफ उसको शेल्टर देती है तो शी विल बी नॉट बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ हार्बर. एंड सेम इन द केस ऑफ हस्बैंड, इफ द वाइफ कमिट्स एन ऑफेंस एंड हस्बैंड प्रोवाइड्स हिम अ शेल्टर देन ही विल नॉट बी लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ हार्बर. लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन 216. सेक्शन 216 सेज व्हेन अ पर्सन एस्केप्ड फ्रॉम अ लॉफुल कस्टडी एंड द कोर्ट पनिश्ड हिम विद अ डेथ पेनल्टी एंड बाय सम रीजंस ही एस्केप्ड फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी एंड ही कम्स टू यू एंड यू प्रोवाइड हिम अ शेल्टर then you will be liable for the punishment of 7 years or with fine or with both. Section 216 ये कहता है जब कभी किसी offender को death penalty मिली हुई है but किसी कारणवश वो lawful custody से भाग आता है तो उसको shelter provide कराने के जुर्म में आपको 7 साल तक की सज़ा या fine या दोनों हो सकते हैं. Let's move on to section 216A. Section 216A deals with penalty for harboring robbers or dacoits. Section 216A deal करता है dacoits और robbers को shelter provide करने के लिए. जब कभी आपको पता हो कि जो person आपके shelter में है या जिसको आपने shelter provide कर रखी है उसने कोई ऐसा offence कर रखा है, रॉबरी या डकैती का ऑफेंस कर रखा है, देन यू विल बी लायबल फॉर द प्रिजनमेंट ऑफ 7 years और विद फाइन और विद बोथ. सो दैट्स ऑल नाउ फॉर गाइस. वी हैव स्टडीड व्हाट इज हार्बर, व्हेन इट बिकम्स एन ऑफेंस एंड द वेरियस कंडीशन ऑफ द पनिशमेंट ऑफ हार्बर. थैंक यू गाइस, होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. इफ यू डू, please like this video and subscribe the channel. Thank you.